नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज एक बार फिर से हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के तहत में छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कुछ फिर से एक बार बेसिक बातें बता देता हूं, जो लोग नए हैं सुबह 8 बजे पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा शाम को 5 बजे आपका छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का चल रहा है। करेंट अफेयर हम लोग पूरे साल भर का कर रहे हैं, 2019 से लेकर अब तक, यानी कि जब तक आपके एग्जाम्स में आएंगे सारे करेंट अफेयर्स इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप लोगों को करवाया जाएगा। इसके अलावा 8 बजे हम लोग शाम में कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जीएस के वीडियोस, और इसके बाद फेस वन के बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था नेशनल करेंट अफेयर को लेकर, तो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर फेस वन में खत्म हो जाएगा, तो फेस टू में हम लोग वहाँ पर आपका नेशनल करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और टारगेट हम लोग CGPSC प्रीलिम्स को कर रहे हैं, आने वाले व्यापम एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि 3 वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं और तीनों वीडियो लगभग आधा आधा घंटा 40-40 मिनट्स के होते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त आप रिविज़न करने के लिए बिल्कुल निकालिएगा। तो तीनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा डेली, कम से कम आधा आधा घंटा गैप भी आप लोगों को बीच में बहुत मिल जाता है, तो इसीलिए इस रिविज़न सेशन को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है और बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उस समय बहुत आप लोगों को समझ आएगा कि जब 2 घंटे में वहाँ पर 100 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होगा, तो क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी अगर रिवीजन करके जाओगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए रिवीजन तो कर ही जाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस सेट के अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग साथ में रिवाइज़ करते चलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया रहता है, और आपको डायरेक्ट कंपटीशन कम्युनिटी सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बलराम दास टंडन जी के निधन के बाद, 2018 में उनका निधन हो गया था अगस्त के महीने में, उसके बाद मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, नाम था आनंदीबेन पटेल, उनको जो है छत्तीसगढ़ का भी कार्यभार दिया गया था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का कार्यभार दिया गया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ की 6वीं राज्यपाल नियुक्त की जाती है, कौन? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके के राज्यपाल नियुक्त करने के बाद आनंदीबेन पटेल को जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित जो भी यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हुए, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर बता देता हूँ। जो आनंदीबेन पटेल कार्यभार संभाल रही थी राज्यपाल का, हालांकि वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल थी, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था छत्तीसगढ़ का भी, उन्हें जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इसके अलावा अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और यह छत्तीसगढ़ की कौन सी क्रम की राज्यपाल है? 6वीं। ठीक है, और इनके बाद जो है एक रमेश बैस का नाम याद रखिएगा। रमेश बैस जो है रायपुर के लगातार 7 बार सांसद रह चुके हैं, इनको जो है त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और रमेश बैस छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे निवासी हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो राज्यपाल से संबंधित अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 3 नाम पर एक यहाँ आ सकता है, एक अनुसुईया उइके से रिलेटेड, एक आपके रमेश बैस से रिलेटेड, और दूसरे आपके आनंदीबेन पटेल से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में किन की नियुक्ति की गई है। कुछ कुछ जैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, वो हर साल अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाते जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से करिएगा जितने इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी को। तो बताइए, किन को नया महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं सतीश चंद्र वर्मा, ध्यान रखिएगा, नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। और ये किन की जगह पे आए हैं सतीश चंद्र वर्मा? ये आए हैं कनक तिवारी के जगह पे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के जो महाधिवक्ता थे वो कनक तिवारी थे, अब सतीश चंद्र वर्मा है, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें अपॉइंट किया गया है, बताइए। ठीक है, नाम मैं बता दूं? चलिए ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अजय कुमार त्रिपाठी।
तो चलिए आंसर मैं बता दूं, तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रामचंद्र मेनन। ठीक है, इससे पहले ये छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 12वें मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल में नियुक्ति हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद प्रशांत कुमार मिश्रा को जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, कार्यवाहक ही सही, लेकिन वो पहले थे, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद रामचंद्र मेनन को जो है छत्तीसगढ़ का 13वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे अगर प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आप लोग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रामचंद्र मेनन हैं, जो कि अजय कुमार त्रिपाठी के जगह पर आए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवती कर्मा छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है? 90 विधानसभा हैं की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, ये सभी को पता है। 90 विधानसभा पर 2018 में चुनाव हुआ, परिणाम आए। 90 विधानसभा में से दो सीटें खाली हो जाती हैं, याद रखिएगा अगर उपचुनाव हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स बन जाता है। दो सीटें कौन कौन सा खाली हुआ? एक आपका दंतेवाड़ा का खाली हुआ, यहाँ के विधायक भीमा मंडावी, भाजपा के भीमा मंडावी थे, उनका एक नक्सली हमले में हत्या हो जाता है। उसके बाद उस जगह पे चुनाव होता है, तो उस जगह पे चुनाव उपचुनाव होता है, तो वहाँ से कांग्रेस की देवती कर्मा विजयी हो जाती है। अब यहाँ पर जब देवती कर्मा विजयी होती हैं तो ये जो 90 विधानसभा सीट है इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और जब देवती कर्मा जीतती हैं तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी विधानसभा में बढ़ जाता है, 14 हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर विधानसभा में अगर वर्तमान समय में महिला सदस्यों का नंबर पूछे तो आपको आंसर 14 लेना है। ठीक है, और दूसरा जो एक विधानसभा सीट खाली होती है वो होता है बस्तर का चित्रकूट। ठीक है, और इस पर कौन होते हैं? विधायक दीपक बैज। लेकिन दीपक बैज जो है जब केंद्र सरकार लोकसभा का चुनाव होता है तो वो लोकसभा पहुंच जाते हैं, तो इसलिए ये सीट खाली हो जाता है। तो यहाँ से जब उपचुनाव होता है तो जीतकर कौन आते हैं? कांग्रेस के ही राजमन बेंजाम। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा। दो उपचुनाव हुए, एक चित्रकूट में और एक आपका दंतेवाड़ा में, दोनों पे कौन नियुक्त होकर आए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, और किन की जगह पे नियुक्त होकर आए हैं इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 90 विधानसभा की सीटों में महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में किस तरह से बदली है इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे बनना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के किस अधिनियम में संशोधन कर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया गया है? पूछा गया है आपका नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष की नियुक्ति है अप्रत्यक्ष रूप से, महापौर की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से, इसके अलावा नगर पालिका की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से, ये सारा संशोधन हमने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो बताइए, मैंने अगर आपने डिस्कस किया तो कौन से एक्ट में संशोधन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन के बगल में फ्लैश हो रहे हैं, चलिए सोच लिए तो मैं बताता हूँ। इसमें संशोधन किया गया है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, यानी कि छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 में संशोधन किया गया है। और महापौर के लिए कौन से एक्ट में संशोधन किया गया है, यानी कि नगर निगम के लिए, वो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 20। इसमें म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 में अमेंडमेंट करके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है अप्रत्यक्ष रूप से करवाने का फैसला लिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोनों एक्ट आपका 1956 वाला और 1961 वाला, दोनों से इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको ध्यान से करके जाइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस साल लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा।
हमने पहले बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो सर्वाधिक मतदान कौन से लोकसभा क्षेत्र में हुआ, ये हुआ आपका रायगढ़। कितना यहाँ का वोटिंग परसेंटेज रहा यानी कि मतदान परसेंट रहा, यहाँ रहा 77.7%। सबसे कम भी देख लीजिए, सबसे कम कहाँ हुआ आपका बिलासपुर लोकसभा सीट, यहाँ की वोटिंग परसेंट कितना रहा 64.36%। और ओवरऑल भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कितना वोटिंग परसेंट रहा आपका 70.28%। ठीक है, तो कहाँ कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। और इसके अलावा लोकसभा की 11 सीटों की स्थिति ध्यान रखिएगा, कितने पर बीजेपी, परिणाम किस प्रकार से रहा। एक याद रखिएगा, सरगुजा से जो रेणुका सिंह जो हैं उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया गया है, और छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है, आदिवासी मामलों का मंत्रालय दिया गया है, सरगुजा से वो निर्वाचित हुई हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना लोकसभा वाला, वो सब बहुत ध्यान से कर जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नीति आयोग ने हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, और इस इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ को रखा गया था 17 राज्यों की श्रेणी में रखा गया था, और 17 राज्यों की श्रेणी में जो छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है वो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस इनोवेशन इंडेक्स में जो टॉप पर है वो है आपका कर्नाटक, और छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर है। ठीक है, नीति आयोग का ये इनोवेशन इंडेक्स था। तो इस तरह से जो अगर नीति आयोग के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रैंकिंग रिलीज किए जाते हैं ना, और उसमें छत्तीसगढ़ के जो सिचुएशंस होते हैं वो आप लोग करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको करिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ केमिकल रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों में O2 की भारी कमी पाई गई। अभी बीच बीच में छत्तीसगढ़ में एक केमिकल रिपोर्ट आया नदियों पर किया गया था, पिछले एक साल का स्थिति को देखा गया था, और इसमें पाया गया कि छत्तीसगढ़ की जो 5 जीवनदायिनी नदियां हैं उसमें O2 की भारी कमी हो गई है। ये 5 जीवनदायिनी नदियां किस प्रकार से हैं, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचों जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदियां हैं वो हैं हसदेव, इसके बाद खारून, महानदी, शिवनाथ और केलो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, हसदेव, खारून, महानदी, शिवनाथ और केलो। इन नदियों में इस केमिकल रिपोर्ट के अनुसार O2 की भारी कमी पाई गई है। इन 5 नदियों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, 5 नदी आप लोग यहाँ पर लगा लिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा D5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन ये है इंडिया टुडे पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर टाइम पत्रिका। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा B, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं इस बार अभी वक्त में टॉप पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद अमित शाह का नंबर आता है, और टॉप 100 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नंबर आता है, इनका नंबर है 54th। ठीक, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSSO की पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब इलेक्शंस होने वाले थे लोकसभा का चुनाव, उससे पहले NSSO के डाटा को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में बेरोजगारी दर सबसे अधिक पहुंच गया, 6.1% पे पहुंच गया है, जो कि 2011 और 12 के समय में ये 2.2% हुआ करता था। तो इसी के अनुसार, इसी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 3.3% है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो होगा B होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान रखिएगा 6.1%, ये 2017 और 2018 में ये रिपोर्ट जो है 2017 और 18 का है, और 2011 और 12 में भी याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर का 2.2%, और छत्तीसगढ़ में 2017 और 18 के अनुसार 3.3% बेरोजगारी दर है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कृषि विभाग द्वारा 2018-19 हेतु जारी कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग सूची में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
आपका इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे पहले जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर का जो रैंकिंग था वो 11वां था पूरे देश भर में, लेकिन इस रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप 10 में पहुंच गया और इसकी रैंकिंग पहुंच गई है 10th। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस भी आपसे बनता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इस साल जो बाघों की जनगणना पर जो रिपोर्ट रिलीज किया गया था उस रिपोर्ट में अगर सबसे कम वृद्धि बाघों की देखी गई थी या संख्या कम के मामले में तो छत्तीसगढ़ सबसे नीचे था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2014 में जो बाघों की संख्या थी वो 46 था और 2018 में का जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ तो घटकर 19 हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग पूरे भारत भर में देखें इस जनगणना के अनुसार में तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों के मामले में वृद्धि हुई है, जहां अभी टोटल 526 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटका का नंबर आ जाता है, कर्नाटका में टोटल बाघों की स्थिति किस प्रकार से है, कर्नाटका में 524 और इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 2018 का ये जो बाघों पर स्थिति है जनगणना का रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में टोटल कितने बाघ हैं, तो आपको यहाँ पर भारत में टोटल बाघ मिल जाएंगे 2967। ठीक, याद रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग से बनना चाहिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा चयनित छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। आकांक्षी जिले का मतलब है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोगों को पता है कि पूरे देश भर में जो सबसे पिछड़ा जिला है नीति आयोग उन जिलों का चयन किया है, ये जिले लगभग 115 हैं और इस 115 जिले में छत्तीसगढ़ के जो हैं 10 जिले भी शामिल हैं और नीति आयोग इन जिलों को पिछड़ा जिला ना कह के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहता है और इन जिलों पर विशेष फोकस करता है ताकि इन जिलों को ऊपर लेकर आया जा सके। तो छत्तीसगढ़ में 10 जिले कौन से शामिल हैं इस बात को पहले समझ लीजिए। बस्तर संभाग में जो 7 जिले आते हैं वो सभी शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा 3 और जिला है जिसमें से एक है आपका महासमुंद और दूसरा है आपका कोरबा और तीसरा है आपका राजनांदगांव। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपका ये तीनों दिया हुआ है, तो रायगढ़ जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रायगढ़। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 फरवरी मार्च में इसकी रिपोर्ट आई थी, शहरों के मामले में देखें तो टॉप पे कौन था, इंदौर। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे कौन था आपका, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम राज्यों की स्थिति के आधार पर रिपोर्ट को देखें कि कौन से राज्यों ने बेहतर काम किया था, तो इसमें से जो 3 राज्य थे वो पहले स्थान पे थे और ये तीनों राज्य आपके छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दी एवर। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर डायरेक्ट ना पूछा जाए तो इसके आसपास से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं आसपास भी करवाते जा रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाया है या आगे करवाने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को बस कर जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लोग पढ़ लिए हो वो लोग साथ में करते चलिएगा और हर किसी एक को बोलता हूँ कि आप ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कि आपने टोटल स्कोर कितना किया है। तो इस हिसाब से पता चलते जाएगा कि आपने पूरे साल भर में पढ़ा है उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर जो लोग अभी नए नए हैं वो भी अगर थोड़ा बहुत पीछे पड़े हैं तो उनको भी पता चल पाएगा कि आपने पीछे कितना हद तक तैयारी किया है। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज के इस सेशन में। हाल ही में जारी रजिस्ट्रार जनरल रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में जन्म लिंगानुपात के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से पायदान पर है। वर्तमान समय का मतलब कि 2019 के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ लिंगानुपात के मामले में कौन से पायदान पर है।
ठीक है, यानी कि जो है पुरुषों की तुलना में कितनी बच्चियों ने जन्म लिया, इस आधार पे इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा जाता है। तो ये है आपका आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। पहले दूसरे स्थान पर केरल हुआ करता था, लेकिन केरल को पछाड़कर जो है छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे पहुंच गया। पहले स्थान पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगर अब हम लोग यहाँ पर वो भी देख लेते हैं डेटा किस प्रकार से है कि कितने बच्चियों की तुलना में, कितने जो है मेल की तुलना में फीमेल बच्चियों का जन्म हुआ है, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है 1000 पुरुषों के मुकाबले 1048 महिला, और छत्तीसगढ़ में जो है 1000 की तुलना में 968। ठीक है, 968 आउट ऑफ 1000। ठीक, तो चलिए ये था हमारा आज का डिस्कशन, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग जो सुबह 8 बजे या शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे तीनों वीडियोस को आप लोग बहुत ध्यान से करके जाइएगा। और बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि नीचे जितने भी आप स्कोर करते हैं, जैसे यहाँ पर 15 या 16 क्वेश्चन मैंने करवाया, आप कितना कर पा रहे हैं इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।